अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम तकरीबन वही टॉपिक है पास्कल लॉ, फिर उसके हमने एप्लीकेशन पढ़ी, फिर हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा। बेसिकली हम उसके एप्लीकेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं और आज हम ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं इन व्हीकल्स। ये उसी की एक एप्लीकेशन है, एक मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है, तो इसमें तो जो गाड़ियां हैं उनके अंदर जिसे हम डिस्क ब्रेक भी बोलते हैं या प्रेशर ब्रेक बोलते हैं, अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, ये जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर होते हैं या बड़ी बड़ी जो बसेज हैं या कोचेज हैं उनके पीछे वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा होता है प्रेशर ब्रेक फासला रखें। वो प्रेशर ब्रेक क्या है, उसके अंदर भी हाइड्रोलिक प्रेस यानी के पास्कल लॉ की एप्लीकेशन को अप्लाई किया जा रहा है। जो ड्राइवर है जैसे ही ब्रेक पैड पर अपना पांव रखेगा, यहां पर उसने पांव रखना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपनी ब्रेक पैड्स यहां पर फर्स्ट करें, वो ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक के आगे ये मास्टर सिलेंडर के अंदर ये पाइप ऐसा है, ये पीछे वाला ये फ्रंट वाला व्हील है, ये पीछे वाला व्हील है, मैंने रफ्सी जरा डायग्राम बनाई है। तो पाइपों के अंदर लिक्विड है, मास्टर ब्रेक पर वो फोर्स लगाएगा, वही पास्कल लॉ हाइड्रोलिक प्रेस वाली F1 फोर्स, स्मॉल फोर्स अप्लाई करेगा, लिक्विड के ऊपर फोर्स लगेगी इस पिस्टन मास्टर सिलेंडर के जरिए, लिक्विड के अंदर प्रेशर ट्रांसमिट होगा इन ऑल डायरेक्शन, जितने भी पाइप्स के अंदर ये जितना भी लिक्विड मौजूद है उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और ये प्रेशर जाता जाता आगे पिस्टन तक पहुंचेगा, पिस्टन आउटवर्ड होंगे और ये जो आपका पैड है, डिस्क है या आपके ये जो ब्रेक शू है ये आउटवर्ड होंगे और ब्रेक ड्रम और डिस्क आपस में अटैच हो जाएगी और चलता हुआ व्हील फौरन रुकेगा। और इसका फायदा ये है कि अगर आप तेजी से भी जा रहे हैं तो आप अपने रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिहाजा जिन गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना प्रेशर ब्रेक, तो आप फासला रख कर आप चले, क्योंकि उसने जब ब्रेक लगानी है तो ये सिस्टम अप्लाई होना उसके ऊपर, ये लिक्विड प्रेशर क्रिएट करेगा इस डिस्क के पास, पैर डिस्क ये दोनों आपस में जो है ब्रेक शू या ब्रेक ड्रम जो है ये आपस में ऐसे मिलेंगे, व्हीकल तेजी से जो चलता है वो आसानी से रुक जाए। जैसे कि यहाँ उन्होंने बताया द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार बसेस CTC आल्सो वर्क ऑन पास्कल लॉ, द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम अलो इक्वल प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड, व्हेन ब्रेक पेडल इज पुश्ड, यहाँ से पुश करेंगे इट एग्जर्ट अ फोर्स ऑन मास्टर सिलेंडर, यहाँ पर वो फोर्स अप्लाई होगी विच इंक्रीज द लिक्विड प्रेशर, इसके अंदर लिक्विड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द लिक्विड इन द मेटल पाइप्स, ये सारे मेटल के पाइप्स हैं ये इस डिस्क तक पहुंचे हुए हैं, ब्रेक ड्रम शू इसके करीब तक यहां तक ये पहुंचे हुए हैं, द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द लिक्विड इन द मेटल पाइप्स टू ऑल द पिस्टन ऑफ द अदर सिलेंडर ड्यू टू इंक्रीज लिक्विड प्रेशर, द पिस्टन इन द सिलेंडर मूव आउटवर्ड प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स विद द ब्रेक ड्रम्स, ब्रेक ड्रम और ब्रेक पैड्स जो हैं ये आपस में टच होंगे तो ब्रेक लगेगी, पैड्स विद द ड्रम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम स्टॉप द व्हील। ये छोटा सा टॉपिक था, उसी से रिलेटेड था, तो इसे आप ज़हन में रखें कि जितनी व्हीकल्स हैं बड़ी हैवी उनके अंदर ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन अप्लाई होती है, हाइड्रोलिक प्रेस अप्लाई होता है और यही लिक्विड प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है और ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। थैंक यू।